हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ सबनम सुल्ताना, डॉक्टर सबनम सुल्ताना, और आज मैं आपको बोलने जा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब के बारे में। तो ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी टॉमी ओके। तो मैं आज आपको बोलने जा रही हूँ ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है, ये सब मैं भी बताऊँगी। तो पहले आते हैं इंसान को पता करके, हेड एंड नेक। तो पहले जो आता है हम लोगों का हेड और नेक, इसके बाद आता है जो हम लोगों का हैंड, जो हैंड को एनाटॉमिकली कहते हैं अपर लिम्ब, तो इस हैंड को कहते हैं अपर लिम्ब। इस अपर लिम्ब के बाद आता है जो चेस्ट, चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट को एनाटॉमिकली बोलते हैं थोरैक्स, थोरैक्स। थोरैक्स के बाद आता है जो बेली के साइड हो उसके नीचे, तो उसको कहते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन, तो एब्डोमेन लिखते हैं इसको। एब्डोमेन के बाद आते हैं लेग्स, लेग्स को हम कहते हैं लोअर लिम, लोअर लिम। ये अगर अपर लिम है तो नीचे वाला है लोअर लिम, बहुत कॉमन सी बात है। ये जो सब है ये MBBS फर्स्ट ईयर के सिलेबस है जो हम लोगों को पढ़ना है, एनाटॉमी सिलेबस, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके, तो किन सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ना है। ये तो पहले जो पढ़ना है आपको अपर लिम, दो थोरैक्स, सेकेंड एब्डोमेन, फोर्थ लोअर लिम, फिफ्थ जो है वो हेड एंड नेक, इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो पहले अपर लिम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपर लिम का मतलब जो है वो हाथ है, तो हाथ से यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप आते हैं अपर लिम, ये सभी का नोट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज देखिए। अपर लिम, तो अपर लिम में पहले जो आते हैं बोन्स, उससे पहले हम लोगों को ये भी जानना है बॉडी में टोटल बोन्स क्या कितने रहते हैं। तो टोटल बोन्स रहते हैं 206, और अपर लिम में भी कितने बोन्स रहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए काउंट करते हैं कितने बोन्स रहते हैं। तो पहले हेड एंड नेक के नीचे जो आता है हैंड्स की साइड, वहाँ पर रहते हैं अपर लिम। तो यहाँ पर दो कॉलर बोन है, ये दो कॉलर बोन को बोलते हैं क्लेविकल, ये दो हाथों को कनेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं शोल्डर को भी कनेक्ट करते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, कॉलर बोन। और नेक्स्ट में आते हैं जो पीछे की साइड, नेक्स्ट में जो पीछे की साइड आता है वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेपेड है, इसको हम विंग बोन भी बोल सकते हैं, तो इसका एनाटॉमिकली नाम है स्कैपुला, इसको विंग बोन भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है हैंड के आर्म्स की साइड, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस, ह्यूमेरस। ह्यूमरस के बाद आता है फोरआर्म, फोरआर्म में दो बोन्स रहते हैं, एक मेल बॉडी की तरफ, एक बॉडी के बाहर की तरफ। बॉडी की बाहर की तरफ जो रहते हैं इसको कहते हैं रेडियस, बॉडी की तरफ जो रहते हैं उसको कहते हैं अल्ना। अब दो बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बोन्स, तो यहाँ पर जो है ये अल्ना और ये रेडियस है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर कार्पल बोन्स आता है जो चार चार करके, मैं सी लिख रही हूँ यहाँ पर, सी फॉर कार्पल बोन्स। ये टोटल आठ है चार चार करके, डॉर्सल वेंट्रल साइड में, डॉर्सल तो ऊपर नीचे साइड में रहते, ये सब बोन्स एक एक करके रहते हैं।
ठीक है, ये ऑन इस साइड है, तो ये कार्पल बोन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अभी कार्पल बोन के बाद आता है ये पांचों डिजिट जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए, 5 मेटाकार्पल बोन। तो ये 5 डिजिट के लिए 5 मेटाकार्पल बोन, सो मेटाकार्पल, इसका नंबर है 5। फिर से बोल रही हूँ, 5 डिजिट के लिए है इसलिए इसका नाम है मेटा, 5 डिजिट के लिए इसलिए इसका जो नंबर है ये 5 है। और कार्पल बोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम कार्पल बोन के जो 8ों तरह नाम है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो मेटाकार्पल के बोन है 5, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, तो उसका जो ये है 5, तो उसका ऐसे टाइम इसका नाम ऐसा होगा, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, ऐसे ऐसे नाम होगा। तो उसके बाद आते हैं फैलेंजियस। फैलेंजियस जो डिजिट में जो रहता है उसको कहते हैं फैलेंजियस। तो अब उसके बाद जो लास्ट बोन्स है उसका है फैलेंजियस। फैलेंजियस 14 रहते हैं। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे अगर इसको, तो हम लोग टोटल्स जो बोन है उसको मिलेगा 32 बोन्स ऑन ईच साइड, और टोटल जो बोन होता है उसका रहता है 64। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल बनने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थिंग में आते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट को पहले सिखाया जाता है तो वो आज हम लोग सीखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ईजी है। तो पहले आते हैं एंटेरियर, फिर आता है पोस्टेरियर, फिर आता है सुपीरियर, फिर आता है इन्फीरियर, फिर मीडियल एंड लैटरल। अगर कुछ भी एक देखने में या हैंडराइटिंग समझने में तकलीफ हो तो मैं फिर से बोल रही हूँ, या इसका नोट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बॉडी की तरफ जो है वो है मीडियल, बॉडी की बाहर की तरफ जो है वो है लैटरल। जैसे कि यहाँ पर रेडियस और आलना में आलना बॉडी की तरफ होता है इसलिए इसको मीडियली, और ये जो रेडियस है बॉडी की बाहर की तरफ होता है इसलिए लैटरली रहता है। तो ये तो हो गया। फिर आता है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। एंटेरियर मतलब बॉडी के सामने की तरफ, और पोस्टेरियर मतलब बॉडी के पीछे की तरफ। तो एंटेरियर मतलब ये जो क्लेविकल है बॉडी के सामने की तरफ, इसलिए एंटेरियरली। और जो विंग बोन है, विंग मतलब क्या, पीछे रहेगा, तो इसलिए पोस्टेरियरली रहता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर लास्ट में सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब बॉडी के ऊपर। तो अगर हम लोग समझ ले कि ये बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर जो है वो सुपीरियर, और बॉडी के नीचे जो है वो इन्फीरियर है। तो इम्पोर्टेंट जो थिंग था वो हो गया। अब आते हैं कार्पल बोन्स में, जो 8 कार्पल बोन्स के नाम होता है उसमें, ये बहुत इजी है। तो लेट्स स्टार्ट। सो सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच, CATCH कैच, सॉरी हार। सी फॉर कैपिटेड, सी लुक्स, सॉरी, सी फॉर स्कैफॉइड, एल फॉर लूनेट, टी फॉर, ओके, सी फॉर कैप, नीचे थोड़ा मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ भी तकलीफ हो तो प्लीज़ प्लीज़ नोट में देख लीजिए। टी फॉर ट्राइक्विट्रम, पी फॉर पिसिफॉर्म, सी लुक्स टू पीटी हो गया, ट्राई टी फॉर ट्रेपेजियल, ट्रेपेजियम, टी फॉर ट्रेपिजॉइड, सी फॉर कैपिटेड, एंड एच फॉर हैमेट।
ये हो गया पूरा 8 बोन्स का नाम, कुछ डॉर्सल में और कुछ वेंट्रल में रहता है ये, कुछ वो ऊपर वाला नीचे की साइड, और ये जो नीचे वाला जो चार है वो ऊपर की साइड रहता है। तो आप लोगों अभी भी डॉर्सल वेंट्रल ये भी जानना बाकी है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद ये बताएंगे या क्लेविकल, अब देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही साथ दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और क्या क्या पढ़ना है उस कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस का नोट चाहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट।